हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज मैं आपको किरचॉफ्स लॉ करवाने जा रहा हूँ सबसे इजी वे में। ठीक है, मैं पहले किरचॉफ्स लॉ करवाऊंगा, फिर मैं उस पर न्यूमेरिकल करवाऊंगा, सबसे इजी फॉर्म में करवाऊंगा किस तरह से अप्रोच करना है किरचॉफ्स लॉ को। तो अब हम लोग चलते हैं लेक्चर पे। ओके, किरचॉफ्स लॉ के दो लॉ है, एक होता है जंक्शन लॉ, दूसरा है लूप लॉ। ठीक है ना, जंक्शन लॉ क्या होता है वो समझो। देखो, सबसे पहले तो ये समझो जंक्शन होता क्या है। जैसे मान लो ये एक सर्किट है, ठीक है, कोई इस पर पूछेगा बताओ जंक्शन कितने हैं, जंक्शन कितने हैं, तो इस पर जंक्शन एक भी नहीं है। देखो, ये जो किसी किसी को लगता है ये जंक्शन ये बैंड है। जैसे ये वायर है, देखो जैसे ये वायर, तो यहाँ पे जो घूम रहा है ये ऐसे, ये जो ये बैंड है ना, ये जंक्शन थोड़ी ना, ये बैंड है। जंक्शन क्या होता है फिर? देखो, जंक्शन ये होता है, जैसे ये वायर है ना, यहाँ पे एक वायर कनेक्ट कर दो, यहाँ पे एक वायर क्या कर दो, कनेक्ट कर दो। जैसे ये इस वायर को अगर कनेक्ट कर दोगे, देखो अब ये जंक्शन बन गया यहाँ पे, अगर कनेक्टेड तो। मतलब जहाँ पे कोई ज्वाइंट होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जंक्शन। जहाँ पे ज्वाइंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जंक्शन। जैसे हाँ, अगर यहाँ पे ऐसे कर दोगे तो ये जंक्शन बन जाएगा, क्योंकि देखो एक यहाँ पे ज्वाइंट है, यहाँ पे एक ज्वाइंट है और यहाँ पे एक ज्वाइंट है। ठीक है, जब ज्वाइंट पड़ता है कहीं पे तो वो जंक्शन होता है। तो बताओ इसमें कितने जंक्शन, एक ये जंक्शन और एक दूसरा जंक्शन ये। ठीक है, एक ये जंक्शन, दूसरा जंक्शन ये। मतलब जहाँ से तीन रास्ते में करंट जाती हो वो जंक्शन होता है, जहाँ पे तीन रास्ते में करंट जाती हो वो क्या होता है, जंक्शन होता है। तीन या तीन से ज़्यादा जा रही तो वो क्या होता है, जंक्शन होता है। क्लियर है? दो नहीं हो सकता। देखो, मान लो कोई बोलेगा ये जंक्शन है, ये जंक्शन नहीं, क्योंकि यहाँ पे करंट दो थोड़ी ना हो सकता है। आई वन इधर से आ रहा है तो बता इसमें निकलेगा भी तो आई वन ही ना, दो का कभी नहीं हो सकता। ये तो तीन होगा या तीन से ज़्यादा। मतलब जिस पॉइंट पे तीन या तीन से ज़्यादा करंट आ रही हो या जा रही हो तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, जंक्शन। जैसे यहाँ पे ये जंक्शन, तीन या तीन से ज़्यादा करंट आ रही हो या जा रही हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो जंक्शन समझ में आ गया। अब देखो, एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन के बीच में जो होता है ना, उसको हम लोग सेगमेंट बोलते हैं। एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन के बीच को हम लोग सेगमेंट बोलते हैं। पहले जंक्शन रूल समझते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं सेगमेंट के बारे में। तो देखो, जंक्शन रूल क्या होता है ना, कोई भी मान लो पॉइंट है, ठीक है, तो उस पर करंट ये है, ये मान लो आई वन है, आई टू है, आई थ्री है, आई फोर है और आई फाइव है। ठीक है, क्लियर है? आई फाइव है। तो ध्यान देना, जंक्शन रूल क्या बोलता है, टोटल करंट एट एनी जंक्शन, सम ऑफ टोटल करंट एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो। सम ऑफ टोटल करंट एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, जीरो। अब देखो, अगर तुम आने वाले जो जंक्शन को अप्रोच जो करंट कर रहा है उसको अगर तुम प्लस लेते हो, तो जो जंक्शन को लीव कर रहा है उसको क्या लोगे, माइनस। ऐसा जरूरी हमेशा नहीं, इट्स अ साइन कन्वेंशन। तुम ऐसे भी कर सकते हो, जो जंक्शन को छोड़ रहा है उसको तुम प्लस ले सकते हो और जो जंक्शन को अप्रोच कर रहा है उसको तुम माइनस ले सकते हो। ठीक है, तो ये इट्स अ साइन कन्वेंशन, जो लेना वो ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हम जो जंक्शन पे आ रहा है करंट उसको हम लोग क्या ले रहे हैं, प्लस। तो देखो बताओ, आई वन क्या लिखोगे, तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, आई वन प्लस आई टू बताओ माइनस में होगा क्योंकि छोड़ रहा है जंक्शन को, आई थ्री अप्रोच कर रहा है तो प्लस आई थ्री क्योंकि जंक्शन की तरफ जा रहा है, आई फोर छोड़ रहा है तो माइनस आई फोर लोगे, और आई फाइव जंक्शन की तरफ जा रहा है तो प्लस आई फाइव इक्वल टू क्या लिखोगे, जीरो। तो ये क्या है, तुम्हारा पहला रूल है किरचॉफ्स जंक्शन रूल इसको बोलते हैं, और इसका क्या नाम है, इसको करंट लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, इसको करंट लॉ भी बोलते हैं, और इसका क्या नाम है, इसको किरचॉफ फर्स्ट लॉ भी बोला जाता है, और इसका क्या नाम है, तो और इसका नाम नहीं है, तो क्या बोल सकते हो, जंक्शन लॉ बोल सकते हो, करंट लॉ बोल सकते हो, किरचॉफ फर्स्ट लॉ बोल सकते हो। ठीक है ना, हाँ ये चीज़ याद रखना, अगर इस लॉ में पूछा जाएगा कौन सा प्रिंसिपल इन्वॉल्व है, तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है। इसमें कौन सा लॉ इन्वॉल्व है, तो क्या बोलोगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसमें क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फर्स्ट लॉ जो है किस पे बेस्ड, इस पे क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स, फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ लॉ किस पे बेस्ड है, तो क्या बोलोगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। क्लियर है तुम लोग को? ठीक ना, तो अब हम लोग आते हैं किस पे, हाँ तो ये जंक्शन रूल है, ये समझ में आ गया होगा तुम लोग को। तो अब हम लोग आते हैं लूप रूल पे, इसको वोल्टेज लॉ भी बोला जाता है और किरचॉफ सेकेंड लॉ भी बोला जाता है। ठीक ना, तो वो क्या होता है, वो देखो क्या होता है ना, सुनना, वो क्या होता है, मान लो
देखो E1 R1 E2 R2 E3 R3। अब इसमें कोई तुमसे पूछेगा कि लूप कितने हैं, इसमें अगर तुमसे कोई पूछेगा लूप कितने, तो तुम क्या बताओगे लूप कितने हैं इसमें? तो देखो लूप जो होता है ना क्लोज होता है, क्लोज कितने क्लोज बन सकते हैं, मतलब क्लोज लूप इसमें कितने बन सकते हैं, तो ध्यान देना। नाम देता हूँ मैं पहले इन लोग को, ए बी सी डी ई एफ। तो बताओ लूप कितने बता सकते हो, बताओ ए बी सी डी ए, ये एक लूप है क्लोज, ए बी सी डी ए ये बताओ एक लूप है, दूसरा लूप बताओ बी सी ई एफ बी, ये भी एक क्लोज लूप बना रहा है, ये भी एक लूप है, और तीसरा लूप बताओ ए डी ई एफ ए, ये इसमें कितने लूप है, तीन लूप है। तीन लूप से ज़्यादा दिख रहा है क्या? नहीं, तीन लूप से ज़्यादा इसमें नहीं, इसमें मैक्सिमम तीन लूप है, ठीक है, मैक्सिमम तीन लूप है। तो अब देखो ये जो लूप रूल है जिसको हम लोग वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं, जिसको हम लोग किरचॉफ सेकेंड लॉ भी बोलते हैं, वो क्या बोलता है? तो देखो इसमें बोलता क्या है ना, सुनना, तो इसमें जो बोलता है, इसमें बोलता है टोटल वोल्टेज जो है इसके अंदर, जो टोटल वोल्टेज, सम ऑफ टोटल वोल्टेज इन लूप इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, ये है सम ऑफ टोटल वोल्टेज, ये टोटल पोटेंशियल ऑफ ए क्लोज लूप इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, बस इतना ही सेकंड लॉ। इसको लोग बढ़ा चढ़ा के पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, लेकिन रियल में इतना ही है लूप रूल, ठीक है, क्लियर है? लूप रूल क्या बोलता है, किसी भी लूप में टोटल जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, सम ऑफ टोटल वोल्टेज। अब वो कैसे होता है मैं अभी प्रूव कर, मैं अभी बता रहा हूँ क्या होता है, लेकिन समझो इससे पहले देखो इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन करना सीखा करो, करंट डिस्ट्रीब्यूशन करना सीखना है। देखो जैसे ना तुम करंट फ्लो करवाओ, जैसे हम यहाँ से I1 करंट फ्लो करवाए, अब यहाँ से हम I2 करंट फ्लो करवाए, और यहाँ पे मान लो I3 करंट जा रहा है। अब ऐसा नहीं कि तुम एरो में दिमाग लगा के यहाँ पॉजिटिव है तो एरो यहाँ से निकलेगा, ये पॉजिटिव है तो यहाँ से करंट निकलेगा, ये नेगेटिव है तो करंट जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तुम इसको उल्टा भी कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो होता क्या, देखो अगर तुम उल्टा कर देते ना करंट का डायरेक्शन इधर और इधर भी इधर, जैसे मन करो वैसे कर दो, ठीक है, अगर तुम गलत डायरेक्शन बनाए हो तो अपने आप जो तुम्हारा आंसर है ना, जो वो आंसर है करंट, वो नेगेटिव में आ जाएगा। नेगेटिव मतलब ये पता चल जाएगा जो एरो तुम माने थे उसका अपोजिट में करंट फ्लो कर रहा है। तो कैसे भी एरो डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, दिमाग लगाने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं। कुछ लोग बोलते नहीं ये पॉजिटिव है तो यहाँ से करंट निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम दिमाग ही मतलब। मेरा तो मानना है कि तुम बस करंट का वैल्यू नाम लिख दो, एरो जिधर लगाना उधर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता एरो किधर लगा दो, अपने आप आंसर नेगेटिव आ जाएगा अगर एरो तुम गलत लगाए हो तो। तुमको तो बताना है डायरेक्शन किधर है ना करंट का, अगर तुम गलत एरो लगाए हो तो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, तो तुम डायरेक्शन तो बता ही दोगे ना जिधर माने थे। मान लो इसमें डायरेक्शन इधर माने तो करंट नेगेटिव आ गया, I1 की वैल्यू -5 आ गई, तो समझ जाओगे -5 मतलब 5 एम्पीयर उधर जा रहा था, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये डायरेक्शन का पंगा इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, अब यहाँ ध्यान देना सेगमेंट क्या होता है, सुनना, इसमें कितने जंक्शन है बच्चों बताओ, इसमें कितने जंक्शन है? इसमें दो जंक्शन है, एक ये वाला और एक ये वाला। देखो एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन को जो जोड़ता है उसको हम लोग सेगमेंट बोलते हैं, एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन को जो जोड़ता है उसको हम लोग सेगमेंट बोलते हैं। सेगमेंट बताओ कितना है, ए बी सी डी और एक ए डी और एक ए एफ ए डी, तीन सेगमेंट दिख रहा है, तीन सेगमेंट दिख रहा है एक ये। तो देखो एक सेगमेंट में करंट की एक ही वैल्यू होगी और एक ही डायरेक्शन होगी। जैसे हम इधर I1 मान रहे हैं, तो बताओ ए बी सी डी एक ही जंक्शन है, एक ही सेगमेंट है। एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन के बीच में जो होता है उसको हम लोग सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। सेगमेंट पहचानने का और कौन तरीका, वो सीरीज में होता है, सेगमेंट हमेशा सीरीज में होता है। अब देखो यहाँ से अगर पानी फेंकोगे तो ये पानी इधर से जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर। अब पानी को यहाँ से दो रास्ता मिल रहा है, तीन रास्ता मिल रहा है, दो रास्ता एक इधर और इधर, पानी को दो रास्ता मिल रहा है ना। तो जब पानी को दो रास्ता मिलने लगता है वो सीरीज नहीं होता, ये हम पहले भी बताए। तो जहाँ तक पानी के पास एक ही रास्ता है चलने का उसको हम लोग एक सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही सेगमेंट है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही सेगमेंट, वन सेगमेंट है, ओनली वन सेगमेंट, तो करंट की एक ही वैल्यू होगी यहाँ से लेके यहाँ तक। तो देखो अगर यहाँ I1 है ना तो यहाँ पे भी I1 ही है और डायरेक्शन भी वही होगा जो इधर इधर डायरेक्शन ऐसे, तो इसमें भी इधर ही होगा। I3 यहाँ तो यहाँ पर भी I3 होगा, यहाँ I2 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा I2 है, सभी का डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है। तो ओके, अब लूप रूल पे आते हैं। लूप रूल बोलता है क्या, तो सुनो लूप रूल जो है ना बोलता है टोटल एक लूप में टोटल वोल्टेज जीरो। तो इसका कहने का मतलब सुनो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। देखो लूप लिख रहा है ए डी सी बी, ए डी सी बी ए मतलब क्लोज कर दिए ना पूरा ए डी सी बी ए, मतलब हम क्या कर दिए बच्चों, क्लोज कर दिए लूप को, हम क्लोज कर दिए, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे ही आ गए।
अब इसमें मेरे को चलना है तो मैं यहाँ से चलना स्टार्ट किया। रूल तुम लोग को पता है, अगर पहले छोटा बैटरी का पहले नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हो, मतलब पहले छोटा प्लेट दिख रहा है तो EMF प्लस लिखता है, ये तुम लोग को पहले से पता है। और अगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हो, सुनना, अगर नहीं पता तो सुन लो, अगर प्लेट जो है जब तुम जा रहे हो और सामने बैटरी दिखा, बैटरी का छोटा प्लेट पहले दिख रहा है तो जो EMF लिखोगे प्लस, और इन जो रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है IR, रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है IR, तो यहाँ करंट कितना I3, तो इस पर भी करंट कितना होगा I3, तो I3 into R लगाओगे, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या है, जब करंट में जा रहे हो तुम यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ड्रॉप होगा प्लस लोगों की माइनस, तो सुनना, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट अगर रेजिस्टेंस आता है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट मतलब तुम ए से डी जा रहे हो ना, ए डी सी बी, तो ऐसे तुम भी इधर जा रहे हो, करंट भी इधर जा रहा है, मतलब जिधर तुम जा रहे हो अगर उधर ही करंट भी जा रहा है, जिधर तुम जा रहे हो उधर ही करंट भी जा रहा है, तो वहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप लोगे रेजिस्टेंस पे वो नेगेटिव लोगे, और जिधर तुम जा रहे हो उसको अपोजिट करंट आ रहा है तो वहाँ पोटेंशियल ड्रॉप IR जो लोगे वो पॉजिटिव लोगे, अपोजिट अगर जा रहा हो तो, ठीक ना, समझ में आ जाएगा, अभी मैं करूँगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक ना, क्लियर है। क्यों नेगेटिव पॉजिटिव लेते हैं हम तुम लोगों को पहले लेक्चर में बता चुके हैं, ठीक है, फिर भी तुरंत स्पीड में थोड़ा बता देते। मान लो ये फैन है, देखो इधर करंट जा रहा है, यहाँ पे 50 वोल्ट था, बताओ ये करंट यहाँ फैन पे अगर 30 वोल्ट बर्बाद हो रहा है, 30 वोल्ट ये अपने पे ड्रॉप करवा रहा है, तो बताओ यहाँ कितना बचा, 20 वोल्ट ना, तो यहाँ पे यहाँ से अगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट अगर जा रहे हो तो क्या लिखोगे, 50 - 30 = 20 करोगे ना, 50 - 30 = 20, मतलब माइनस कर रहे हैं। अब अगर कोई इधर से जा रहा है, करंट इधर जा रहा है, तुम इधर जा रहे हो, तो बता 20, अब यहाँ पे क्या करोगे, प्लस या माइनस, यहाँ प्लस करोगे तब तो 50 पहुँचो, 20 + 30 = 50 पहुँचेगा ना, मतलब इधर जा रहे तो 20 में प्लस के 30 को तो 50 हुआ, मतलब जब करंट इधर जा रहा है तुम उधर जा रहे हो, अपोजिट जा रहे हो तो। लेकिन अगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हो तो बता 50 में 30 माइनस करोगे तो 20 होगा ना, बात समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है, तो ये समझ में आ गया होगा मुझे जहाँ तक लगता है। तो चलो अब लूप रूल में बताता हूँ होता क्या, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं चलना, तो सामने क्या दिखा, बट छोटा प्लेट, तो क्या लिखोगे प्लस E2, ठीक है, सामने छोटा प्लेट प्लस E2, अब इधर जा रहे हो, इधर ही करंट भी जा रहा है, इधर तुम भी जा रहे हो, तो क्या लिखोगे -I3 R2, ओके, यहाँ पे चलो इसको I3 माने हुए हो, इसको I2 मान लो, और यहाँ 3 है तो इसको I3 मान लो, ठीक है, नहीं तो 3-3 हो जाएगा ना, तो सब पैरामीटर्स 1-1, 2-2, 3-3 हो जाएगा, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं हुआ तुम लोग को, तो यहाँ पे भी क्या लिखोगे I2 R2, ठीक है। बैटरी जब आएगा तो डायरेक्ट बैटरी की वैल्यू लिखो, जब रेजिस्टेंस आएगा तो उसमें करंट मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक, तभी तो पोटेंशियल बनेगा V = IR, जब बैटरी है तो डायरेक्ट बैटरी का पोटेंशियल का वैल्यू लिखो, इधर गए सामने इधर गए, अब देखो तुम इधर जा रहे हो, करंट भी I1 क्या जा रहा है, इधर I1 आ गया ना, अभी इसमें तो I1 आ गया, I2 तो यहीं तक था, I1 तो क्या लिखोगे माइनस, क्योंकि जिधर करंट उधर ही मिला, तो I1 R1, सामने क्या दिखा छोटा प्लेट, तो क्या लिखोगे प्लस E1 इक्वल टू, क्या लिखोगे इक्वल टू 0, तो यही था तुम्हारा किरचॉफ्स लॉ, तो देखो तो क्या गया E2 + E1 = I2 R2 + I1 R1, तो कुछ लोग ये बोल देते कि किरचॉफ्स लॉ, सम ऑफ टोटल पोटेंशियल ऑफ बैटरी इक्वल टू द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, ये बोल देते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है, तुम सिंपल वे में बताओ ना, क्यों ये टप करवा रहे हो किसी को, ठीक है, तो ये है। अब तुम और भी देख सकते हो कैसे, अब यहाँ पे देख लो, अब दूसरे लुक में देख लो, AFED में आ जाओ, AFED A, तो अब यहाँ से स्टार्ट करो, अब नाम देखो, जब AF देखो तो AFP में चलना होगा, जैसे यहाँ AD दिए तो AD में चलना होगा, AF फिर नहीं, तो एग्जामिनर को समझ कैसे आएगा तुम घूम कैसे रहो, तो इसके अकॉर्डिंग घूमो, AF इसके अकॉर्डिंग चल रहा है, AFED A, तो बताओ सामने क्या दिखा, बड़ा प्लेट, तो क्या लिखोगे -E3, तुम जाए इधर हो लेकिन करंट इधर आ रहा है, तो प्लस ड्रॉप लिखोगे, तो क्या लिखोगे I3 R3, सामने गए करंट इधर जा रहा है, तुम इधर आ रहे हो, तो क्या लिखोगे +I2 R2, सामने क्या दिखा बड़ा प्लेट, तो -E2 = क्या आ गया बच्चों 0, तो बताओ क्या बन गया, इसको सॉल्व कर लेना, E3 + E2 उधर जाएगा, तो I3 R3 + I2 R2 = क्या आ जाएगा 0, सॉरी वो तो लिखे दिए इतना ही,
देख लेना ना, ई टू को उधर भेजोगे प्लस हो जाएगा, और आई आई थ्री को भी उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस हो गया और फिर बाकी ये लिख दिया। ई वन ई थ्री ई टू को उधर भेज दो ना तो यही बनेगा ना, फिर इक्वेशन को हम उधर का इधर कर दिए इधर को उधर, ये तो समझ में आ ही रहा होगा, तो ये बन गया था मेरा। ठीक है, उसी तरह तुम इस पर भी कर सकते थे, ये वाले लुक में भी कर सकते थे, करना है तो कर लो, टाइम पास है। हाँ, अगर बोला जाएगा कि ना ये जो लूप रूल है किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ये किस लॉ पे बेस्ड है, तो क्या बोलोगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और जो करंट लॉ तो वो किस पे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में कई बार, तो ये जो सेकेंड लॉ है जिसको हम लोग वोल्टेज लॉ बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। ठीक है, ठीक है, तो आप बताओ, ए ए बी था ना, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, कहाँ से स्टार्ट किया था हम? ए, यहाँ से पूरा आप ले रहे हैं ये, तो स्टार्ट करो। सामने क्या दिखा? छोटा प्लेट, तो बड़ा प्लेट तो क्या लिखोगे? माइनस ई वन, जा इधर रहो लेकिन आ इधर रहा है, ए बी से गए ना ऐसे, तो करंट इधर है, तो क्या लिखोगे? प्लस आई वन आर वन, सामने आए कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, सामने दिखा ये करंट भी इधर है इसमें, और ये तो हम लिखेगा माइनस आई थ्री आर थ्री, सामने दिखा छोटा प्लेट तो प्लस ई थ्री, पहुँच गए डेस्टिनेशन पे, इक्वल टू क्या आ गया? जीरो। इसको सॉल्व कर लो, तो ये क्या बन गया? ई थ्री माइनस ई वन इक्वल टू आई थ्री आर थ्री माइनस आई वन आर वन। ठीक है, तो ये बन गया। तो देखो कितना इजी था, दोनों लॉ बता दिए, कुछ पता भी नहीं चला कि क्या था, बहुत इजी था। किरचॉफ बहुत इजी वे में बताया था, लेकिन चीज़ें को टफ कर दिया गया बुक में, कि एंटी क्लॉक वाइज चलो, क्लॉक वाइज चलो, पता नहीं क्या क्या बोल दिया गया, तो ये सब चीज़ मत, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है उसको समझ लो। ठीक है ना, अब इस पर मैं न्यूमेरिकल करवाता हूँ। देखो जो लोग सी बी एस ई बोर्ड में, उसमें तो कन्फर्म आना है ये न्यूमेरिकल, कन्फर्म आना है किरचॉफ लॉ का न्यूमेरिकल। ठीक है, अब बाकी जो स्टेट बोर्ड है उसमें किरचॉफ लॉ क्या होता है वो देख लेना, इस पर बेस्ड पे ड्राइवेशन आता जरूर है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इस पे बेस्ड पे ड्राइवेशन क्या क्या होता है। तो किरचॉफ लॉ इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, स्टेट बोर्ड के लिए, और जो सी बी एस ई बोर्ड है उसके लिए किरचॉफ लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, क्लियर है? तो हम कोई भी एक न्यूमेरिकल उठाते हैं, देखो एक न्यूमेरिकल हम ले रहे हैं, मेरे साथ साथ तुम लोग खुद भी सॉल्व करना। ठीक है, देखो एक बात मैं बता देता हूँ, जब तुम्हें ना ये जो तुम्हारा किरचॉफ्स लॉ का जब पूछा जाएगा, तो तुम जो हम सर्किट अभी पीछे बनाए थे उसको पूरा रट के मत जाना, जो मन करे वो सर्किट बना देना, ऐसे नहीं कि सर जैसे बनाया वो पूरा का पूरा रट के जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो जैसे तुमको ड्राइवेशन करना, कुछ भी बना दो सर्किट में, टा टा टा, कुछ भी बना दो सर्किट में, जो मन करे बना दो ना, जैसे मन करे, नाम देना है आर वन ई वन आर टू ई टू आर थ्री, करंट जिधर फ्लो करवाना फ्लो करवा दो, आई वन मेरा मन किया इधर, आई टू मेरा मन किया इधर, आई थ्री मेरा मन किया इधर, ख़त्म कर दो, जैसे मन करे वैसे बना देना। रट मत लेना कि पूरा का पूरा डायग्राम चेपना है, नहीं फिर रटोगे तो फिर बहुत टफ लगने लगेगा कि ये पूरा का पूरा डेटा याद रखना, कि जो मन करे वो बना दो, समझे? कुछ रटने वाली बात नहीं, जो मन करे वो बना दो, उसको फिर ना उस हिसाब से ना उसका इक्वेशन लिख देना, ये याद रखना है, तो लोग रट लेते हैं। ठीक है ना, वो काम मत करना। अब देखो ये क्वेश्चन है, अब तुमसे पूछ रहा है ना, तीनों सेगमेंट पे करंट निकालो, तीनों सेगमेंट पे क्या निकालो? करंट निकालो। कभी कभी क्वेश्चन में ना करंट का एरो जो है पहले से बना के दे देता है, कभी कभी हम लोग को बनाना होता है, तो जैसे इसमें वैसे क्वेश्चन में जब आया था दिया हुआ था, नहीं दिया हुआ था, ठीक है, सी बी एस ई में आया हुआ था तो नहीं दिया हुआ था एरो, तो हम खुद से एरो बना देते। देखो एरो क्या बनाता हम, इधर मान लिया आई वन, ओके, इधर मान लिया आई टू, और इधर मान लिए आई थ्री। ठीक है, तुम जिधर मान सकते हो तो उधर मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ऐसे ही मान लिए। अब बोलोगे सर आप हमें, आप तो हमेशा आई पॉजिटिव से निकाल रहे हो करंट, पॉजिटिव से, यहाँ फिर कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में हम नेगेटिव से कर लेंगे, देखना करंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, तो हो सकता हम सही माने तो अपने आप नेगेटिव आ जाएगी करंट की वैल्यू, अगर हम थोड़ा सा भी गलत मानेंगे तो। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम वैसे कर लेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं, आई वन आई टू एंड आई थ्री निकालते हैं। तो देखो ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, क्लियर है, दिख रहा है सभी को? चलो इसका कलर बदल देते हैं, नहीं तो सब एक ही जैसा लग रहा है।
कौन कलर दे? रेड दे देते। ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ना जंक्शन रूल लगा दो एक जगह, इक्वेशन थोड़ा इजी बन जाएगा। जंक्शन रूल लगा दो, कहाँ लगाओगे? जंक्शन रूल पे लगा दो। तो एक बार बताओ जंक्शन रूल पे क्या लगेगा? आई वन आ रहा है तो क्या लिखोगे? प्लस आई वन। आई थ्री, आई थ्री क्या हो रहा है? जा रहा है तो क्या लिखोगे? माइनस आई थ्री। और आई टू क्या हो रहा है? आ रहा है तो क्या लिखोगे? प्लस आई टू इक्वल टू जीरो। तो बताओ आई थ्री इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? आई वन प्लस आई टू। अब देखो तुमको हम बताया था ना साइन कन्वेंशन, तुम कैसे भी मान सकते हो। तो हम उल्टा भी मान लेते हैं, आने वाले को नेगेटिव लेते हैं माइनस आई वन, आई टू को क्या लेते हैं? माइनस आई टू। और आई थ्री को क्या लेते हैं? जा रहा है तो प्लस आई थ्री इक्वल टू जीरो। फिर भी देखो वही क्वेश्चन आएगा, उधर भेज दो तो आई थ्री इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? आई वन प्लस आई टू। तो देखो कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा ना, ठीक है। तो यहाँ से प्रूफ भी कर सकते हो ये चीज़ को, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो तुम जानते ही हो, बता दिए थे पहले ही। तो ये आ गया। अब बताओ यहाँ पे आई थ्री की जगह जो है, हम आई थ्री की जगह जो है ये लिख सकते हैं। आई थ्री की जगह हम बच्चों क्या लिख सकते हैं? आई वन प्लस आई टू। तो क्वेश्चन थोड़ा छोटा नहीं हो जाएगा? पहले तीन वेरिएबल था, अब दो वेरिएबल हो गया। पहले तीन वेरिएबल था तो तीन इक्वेशन बनाते, यहाँ पे दो वेरिएबल दो इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। तो कोशिश क्या करो ना कि दो वेरिएबल, जितना कम वेरिएबल रखोगे ना ये इस क्या बोलते हैं सर्किट में, उतना तुम्हारे को फायदा है। क्यों? क्योंकि दो वेरिएबल होगा तो दो इक्वेशन सॉल्व करना, दो इक्वेशन बनाना होगा। तीन वेरिएबल होगा तो तीन इक्वेशन बनाओगे। तो दो वेरिएबल दो इक्वेशन, अगर दो एक पेज लग रहा है तो तीन वेरिएबल में समझ लो डबल हो जाएगा, चार वेरिएबल में चार पाँच पेज लग जाएगा। तो उस हिसाब से चीज़ों को सोचा करो कि मिनिमाइज कर ले, ठीक है। बाद में तुम लोग को वैसे ही आइडिया लग जाएगा, जैसे आई वन आ रहा है, आई टू आ रहा है तो कन्फर्म यहाँ से आई वन प्लस आई टू निकलेगा। नहीं पता चल रहा तो जंक्शन रूल लगा दो। सबसे पहले अगर तीन वेरिएबल दिख रहा है तुम्हें सर्किट में, मोस्टली क्वेश्चन तीन वेरिएबल पे ही होता है, तीन वेरिएबल दिख रहा है तो तुरंत पहला एक जंक्शन रूल लगा दिया करो, कि उससे एक वेरिएबल खत्म हो जाए। समझ में आया? क्लियर है? तो अगर पहले से अगर दो वेरिएबल है तो मत लगाओ जंक्शन रूल, अगर तीन वेरिएबल पहले से है तो एक जंक्शन रूल लगाओ, या चार वेरिएबल है तो एक बार जंक्शन रूल लगाओ, ठीक है ना। तीन तीन या तीन से ज़्यादा, तीन या तीन से ज़्यादा अगर वेरिएबल दिख रहा है तो सबसे पहले एक जंक्शन रूल लगाओ, चीज़ें जो है थोड़ा इजी हो जाएगी, ठीक है। अब हम लगाते हैं लूप रूल। अब बताओ दो वेरिएबल दिख रहा है इस पूरे सर्किट में, तो दो लूप रूल चाहिए मेरे को, दो लूप रूल चाहिए मेरे को, ठीक है ना। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं हम, कौन सा सर्किट लेते हैं? ए बी ई एफ ए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते, चलना यहाँ से चले इधर गए, तो बताओ जिधर जा रहा उधर ही रेजिस्टेंस है, तो क्या लोगे? माइनस माइनस आई वन प्लस आई टू। रेजिस्टेंस कितना बच्चों? फोर। सामने गए इधर जा रहे इधर रेजिस्ट करंट भी इधर ही जा रहा है, तो क्या लिखोगे? माइनस, क्योंकि करंट भी उधर ही जा रहा है, टू आई वन। सामने क्या दिखा? छोटा प्लेट, तो प्लस टू और इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? बताओ जीरो। तो बताओ क्या हो गया? माइनस आई वन माइनस आई टू माइनस फोर आई वन माइनस फोर आई टू माइनस टू आई वन प्लस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो। तो ये क्या बन गया? आई वन आई वन सिक्स आई वन सिक्स आई वन और इधर उधर जाएगा तो आई टू है ना, तो ठीक है चलो माइनस फोर आई टू इक्वल टू क्या हो गया? माइनस ट्वेल्व। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? सिक्स आई वन प्लस फोर आई टू इक्वल टू ट्वेल्व। ये तुम्हारा क्या बन गया? फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ये तुम्हारा क्या बन गया? फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब हम लोग दूसरा करते हैं, दूसरा दूसरा लोग कोई भी ले लो, ये वाला लेना, ये ले लो, ये ले लो। तो हम ले लेते हैं ए सी डी एफ ए, क्या ले लेते हैं? ए सी डी एफ ए। तुम ये भी ले सकते थे, ये भी ले सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो लेना वो ले लो। तो अब यहाँ से चलते स्टार्ट करना। सामने क्या दिखा? बड़ा प्लेट, ए से बी, ए से सी गए, इधर कुछ नहीं मिला, इधर बड़ा प्लेट तो माइनस सिक्स। सामने देखो करंट आई टू उधर जा रहा, हम जा इधर रहे तो क्या लोगे? प्लस आई टू। अब इधर गए इधर जा रहे तो सामने क्या दिखा? टू आई वन लिखोगे? प्लस टू आई वन, क्योंकि जिधर सॉरी माइनस लिखोगे ना, क्योंकि जा तुम इधर रहो करंट भी इधर ही है, इधर प्लस लिए तो ठीक है, जा इधर रहो करंट भी इधर पहुंच गए, ए पे पहुंच गए ना। नहीं अभी सामने ये छोटा प्लेट दिखा था, क्या लिखोगे? प्लस ट्वेल्व
सामने छोटा प्लस दिया प्लस ट्वेल्व इक्वल टू क्या लिखोगे जीरो, तो बताइए क्या बन गया। I2 माइनस 2I1 और ये क्या हो गया सिक्स, तो इक्वल टू क्या होगा माइनस सिक्स, ये क्या बन गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है, ठीक ना, एक मिनट। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन, ये तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है। आप इसको सॉल्व करना तुम लोग जानते हो, ये सेकंड और ये फर्स्ट, इसको सॉल्व करना जानते हो, क्या करोगे एलिमिनेट करना है, तो वहाँ पे क्या है 4I2 और यहाँ पे I2 है, तो क्या करो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, इनटू 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से करोगे तो क्या बन जाएगा 2I2 माइनस 4I1 इक्वल टू माइनस 12। ठीक है, आप क्या करोगे, सॉरी 4I2 है ना वहाँ पे, यहाँ पे तो I2 ही बना ना, रुक जा, 2 से मल्टीप्लाई मत करो, I2 है वहाँ क्या है 4I2 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो इसको कर लेते हैं, इसको 6 से, इसको 3 से कर दो, I1 को इंटू 3 कर दो। तुम लोग जानते हो ये सॉल्व करना, अब इसमें तुम लोग को हम नहीं बताएंगे कैसे हम दिमाग लगा रहे हैं, ये तुम लोग जानते हो, इक्वल टू 6 3 18। ठीक है, अब ये बन गया तुम्हारा थर्ड इक्वेशन, तो अब फर्स्ट और थर्ड को क्या कर दो प्लस, तो बताओ माइनस 6I1 प्लस 6I1 गया, तो बच गया गया 3 4 3 7 7I2 4 3 7 7I2 और इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करोगे तो 12 माइनस 18 कितना हो गया बच्चों, 12 माइनस 18 हो गया माइनस 6, तो I2 इक्वल टू क्या आ गया माइनस 6 अपॉन 7 एम्पीयर, I2 इक्वल टू आया। ठीक है, क्लियर है, I2 इक्वल टू क्या है 6 अपॉन 7 एम्पीयर। ठीक है, क्लियर है, 6 अपॉन 7 एम्पीयर आया। तो देखो यहाँ पे I2 6 अपॉन 7 है, मतलब इसका डायरेक्शन गलत माने थे, रियल में डायरेक्शन क्या है इधर, कोई फर्क नहीं पड़ता, बता देना अगर ऑप्शन में है कि किधर डायरेक्शन, तो बता देना कि किधर, अगर क्वेश्चन पूछा डायरेक्शन बताओ तो डायरेक्शन क्या है इधर, क्योंकि माइनस में है, समझ में। I2 आ गया ना, देखो कितना है जीता, I2 आ गया, बस लंबा जाता है, तब I2 आ गया, तो I1 निकालना है, तो I1 के लिए क्या करोगे इस वैल्यू में क्या कर दो, पुट कर दो, तो इसमें ही पुट कर दो, तो आप बताओ क्या करोगे इसमें, I2 की वैल्यू -6/7 वहाँ पुट कर दो, -6/7, तो यहाँ -6/7 -2I1 इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 6 -6, यहाँ से कर लो तो उधर गया -2I1 माइनस 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 तीनों का गया, तो बता 2I1 इक्वल टू क्या आ गया 6, ये तीनों प्लस हो चुका है, तो अब ये उधर जाएगा तो -6/7, तो 7 6 42 में 6 गया, 42 में 6 गया तो कितना होगा 2 2 और 4 36 होगा, 36/7 2I1 इक्वल टू, तो ये कट गया, तो I1 इक्वल टू कितना आ गया 18/7 एम्पीयर। ठीक है, 18/7 एम्पीयर, क्लियर है। तो देखो कितना इजी रूल था, आराम से लगा दिए तुम लोग, आराम से लगा दिए ना। ठीक है, अब एक क्वेश्चन तुम लोग को हम देते, तुम लोग ये खुद से करो, एक क्वेश्चन देते तुम लोग वो खुद से करने की कोशिश करो। ये 4 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है और ये है, इसका रेजिस्टेंस भी 2 ओम है और यहाँ पे भी 2 ओम है और ये जो बाहर वाला रेजिस्टेंस है वो 8 ओम है। ठीक है, इसको सॉल्व करो, समझ में, इसको सॉल्व करो,
अब देखो इसमें करंट की वैल्यू तुम जिधर मानना, देखो तुम लोग अपने आप से सोच लो किधर मानना। मेरे को देखो अब हम आँख बंद करके किधर मान लिए, इधर मान लिया आई वन, इधर मान लिया आई टू, इधर मान लिया आई थ्री, इधर भी मान लो। बोलोगे सर इधर क्यों दिमाग लगा के आप इधर लगाए हो, नहीं तो चलो दिमाग तुम ऐसे मान लो कोई बात नहीं। आई थ्री मान लो तुम बोल रहे हो इधर, तो इधर बनाना इधर बनाना, ठीक है जिधर मानना उधर मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आई थ्री इधर मानना, चलो दोनों तीनों जंक्शन की तरफ अप्रोच करवा देते हैं। इससे पहले वाला तो इसमें किए थे, इससे ये वाला तरीका ये। अब देखो तीनों जंक्शन की ओर जा रहा है, फिर सर ये तो गड़बड़ हो गया। कोई बात नहीं, गड़बड़ साफ बात है कि गड़बड़ बना है, क्योंकि तीनों जंक्शन की ओर नहीं जा सकता, कन्फर्म जंक्शन की ओर नहीं जा सकता। हम गलत डायरेक्शन तो माने, कोई बात नहीं मान लो, कोई क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने आप नेगेटिव पॉजिटिव जो आना को आ जाएगा, ठीक ना। तो देखो कई लोग ये समझाते हैं कि करंट का डायरेक्शन लगाने के, करंट का डायरेक्शन बनाने के लिए दिमाग लगाओ, ये लगाओ, कुछ मत लगाओ यार, आराम से करो। अब इक्वेशन बनाना है तो नाम दे दो, ए बी सी डी ई एफ। अब देखो दो वेरिएबल है, तीन वेरिएबल है, तो पहले एक वेरिएबल को गायब कर दो, आई थ्री को गायब करो। आई थ्री को कैसे गायब करोगे, तो आई थ्री को गायब करने के लिए हमें जंक्शन रूल लगाएंगे, बी पे जंक्शन रूल लेट बी, तो बताओ आई वन अप्रोच कर रहा है, तो आई वन प्लस प्लस आई टू भी अप्रोच कर रहा है, प्लस आई थ्री इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, जीरो। तो बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई थ्री, माइनस आई वन प्लस आई टू। तो इसको हटाओ और यहाँ पे क्या लिख दो, माइनस आई वन प्लस आई टू, बस सॉल्व कर लो। पहला कौन सा रूल लगाते हैं, पहला ए एफ ई बी ए, ए एफ ई बी ए। तो देखो सामने क्या दिखा, बड़ा प्लेट कितने वोल्ट का है, ये चार वोल्ट का बड़ा प्लेट, तो क्या लिखोगे, माइनस फोर। सामने करंट इधर जा रहा है, हम ए एफ जा रहे हैं ना, ए एफ, तो हम इधर जा रहे हैं करंट उधर, तो प्लस लोगे, प्लस टू आई वन। हम कौन सा ले रहे हैं, ए एफ ई बी ए, तो चलो ठीक है। अब इधर जा रहे करंट भी इधर जा रहा है, तो क्या लिखोगे, माइनस टू आई टू। सामने दिखा छोटा प्लेट, तो प्लस टू वोल्ट, पहुंच गए डेस्टिनेशन, फिर से वहीं पहुंच गए ए पे, इधर से ए पे, तो इक्वल टू क्या लिखोगे, जीरो। तो पहला इक्वेशन क्या बन गया बच्चों, टू आई वन माइनस टू आई टू, दो और माइनस टू उधर गया तो प्लस टू, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी तरह सेकंड इक्वेशन बना दो, सेकंड इक्वेशन हम कौन सा बनाते हैं, ये वाले में आ जाओ, किस में, बी ई, ये ई है, बी ई डी ए बी सी, इसको मानोगे डी एफ, बी ई डी सी बी, बी ई डी सी सी बी। तो स्टार्ट करो, सामने सामने क्या दिखा, बड़ा प्लेट माइनस टू वोल्ट, माइनस टू वोल्ट, करंट इधर, करंट उधर जा रहा, हम जा रहे नीचे, तो क्या लिखो, प्लस टू आई टू, करंट ऊपर, हम इधर जा रहे तो प्लस लिखो, उल्टा जा रहा है इधर करंट, इसमें किधर जा रहा है, ये क्या था, करंट इधर जा रहा है और हम भी इधर ही जा रहे हैं, तो क्या लिखोगे, माइनस, क्या लिखोगे बच्चों, माइनस। लेकिन करंट की वैल्यू क्या है, करंट की वैल्यू क्या है, माइनस आई वन प्लस आई टू इंटू एट। डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, मतलब स्टार्टिंग जहाँ से को वहीं पहुंच गए ना, तो जहाँ से स्टार्ट किया तो वहीं पहुंच गए, तो इक्वल टू जीरो। समझ में आया, यहाँ माइनस तो वो लिखोगे माइनस क्यों, क्योंकि इधर जा रहा है और हम भी इधर जा रहे, तो वो माइनस और ये माइनस इसका माइनस है ना, तो ठीक है। तब इसको सॉल्व कर लो, माइनस टू प्लस टू आई टू, माइनस माइनस प्लस हो गया, तब इन दोनों घटा के प्लस ही कर दो, तो क्या हो जाएगा, प्लस एट आई वन प्लस एट आई टू इक्वल टू जीरो। तो ये क्या हो गया, टेन आई टू प्लस एट आई वन इक्वल टू टू, ये बन गया तुम्हारा सेकंड इक्वेशन। दो वेरिएबल दो इक्वेशन सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, हम नहीं कर रहे सॉल्व, ठीक है। दो वेरिएबल दो इक्वेशन आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ टेन है, यहाँ एट है, यहाँ टू है, तो इसको एट बनाने के लिए फोर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो वो फोर से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इसको फोर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एट आई वन, तो एट आई वन, एट आई वन कट जाएगा, इतना तो तुम जानते हो, कर लोगे, ठीक है। तो ये आंसर निकालो, क्या रही आंसर वो मेरे को कमेंट में लिखो, ठीक है। यहाँ तक अगर पूरा समझ में आ गया तो आंसर क्या है, इसको आगे सॉल्व करके वो कमेंट में लिखो। तो देखो इतना ही है किरचॉप्स लॉ, ठीक है ना। तो हम लोग कोई भी क्वेश्चन जो कम्पिटेटिव एग्जाम में आएगा किरचॉप्स नहीं करेगा, क्योंकि इससे बहुत बेटर बेटर हम कॉन्सेप्ट तुम लोग को पहले भी बता चुके हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। शॉर्ट ट्रिक कई बताए हुए हैं, क्या मेथड है, बहुत इजीली बताए हुए हैं सर्किट सॉल्व करने का तरीका, चार मेथड बताया सर्किट सॉल्व करने का, वही चार मेथड रखो, किरचॉप्स की जरूरत ही नहीं पड़नी, ठीक है, क्योंकि वो बहुत जल्दी करवा देगा, किरचॉप्स में बहुत टाइम लगेगा, तो कम्पिटेटिव एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता। हाँ, जब बोर्ड में आएगा बोलेगा किरचॉप्स से ही करना, तो करोगे ही ऐसे ही, ठीक है ना।
तो किरचॉफ्स लॉ करना ना चाहिए। देखो इसमें ना प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एरर बहुत होता है कैलकुलेशन करने में, क्योंकि काफ़ी लंबा कैलकुलेशन होता है तो एरर बहुत ज़्यादा होता है। तो कोई बात नहीं, स्टेप मार्किंग तो मिल जाएगा बोर्ड में, लेकिन कोशिश करो कि इसमें पूरा नंबर उठा लो। तो इसलिए प्रैक्टिस घर पर ज़रूरी है, बुक उठाओ प्रैक्टिस करो अच्छे से, जितना क्वेश्चन कर सकते हो उतना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन दबाना ना भूलना, क्योंकि मैं लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक ना। तो अब मैं चलता हूँ, अच्छे अच्छे कमेंट्स कर सकते हो। तो अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड जय हिंद जय भारत।